बहुत पुरुष ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मेरे लिंग पे नसें दिखने लग गई हैं, क्या एग्जैक्टली ये कोई प्रॉब्लम है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब होता है, क्या ये मास्टरबेशन की वजह से हो गया है, क्या इसमें घबराने जैसी कोई बात है? चलिए आज डिटेल में बात करते हैं। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या ये प्रॉब्लम की डायरेक्शन में घबराने वाली बात तो नहीं है। सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो ये लिंग पे नसें हैं वही मेन रीजंस हैं कि आपके लिंग में इरेक्शन आता है या तनाव आता है। ये कोई बोन तो है नहीं जो कि कभी भी ओपन हो जाएगी, इट इज मोर ऑफ अ मसल स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड फ्लो बड़ा होने की वजह से, एकदम से जैसे ब्लड फ्लो आता है तो उसमें इरेक्शन पैदा होता है। अगर आपको ये नसें बहुत ज्यादा दिख रही हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डार्क नीले कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं या ब्लैक कलर के आपको बहुत ज्यादा नजर आती है, दैट शोज गुड साइन, और ये एक अच्छा साइन है कि आपका जो लिंग है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साथ साथ जिन लोगों को लिंग में सिर्फ ये तीन लक्षण नजर आ रहे हैं, जैसे उन नसों का फूलना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप उन्हें हाथ लगा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, या फिर आपको मास्टरबेशन करते समय कोई चोट लग गई है, या लिंग में कोई फ्रैक्चर आ गया है, या उन नसों में आपको ऐसा लग रहा है कि पेन के साथ साथ सूजन ज्यादा नजर आ रही है, तभी आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अदरवाइज ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है और हेल्दी है। जिन लोगों की बॉडी पे फैट कम होता है, बॉडी के किसी भी एरिया में अगर आपका फैट कम है तो आपको वहां नसें ऊपर से दिखने लग जाएंगी, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, और उसमें घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्चुअली अ गुड साइन। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अवेयर कर पाई है कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर साथ साथ आपको ये लगता है कि मेरा इरेक्शन अच्छा नहीं आता, लिंग में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरी नर्व्स में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, इरेक्शन आ तो रहा है लेकिन काफी देर तक नहीं टिकता, साथ साथ मुझे साइज रिलेटेड भी इश्यूज हैं, तो आज ही इंक्लूड कर लो नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल। ये ऑयल सिर्फ आपके साइज से कंसंट्रेटेड नहीं है, ये इरेक्शन पे ज्यादा काम करता है। इसके अंदर शिलाजीत है, इसके अंदर कौंच है, इसके अंदर क्लव है, क्लव लॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो कि मसाज ऑयल में होना चाहिए, स्पेशली जो पेनाइल मसल्स के लिए यूज किया जाता है, पेनिस की मसाज के लिए यूज किया जाता है, इसलिए मैं नारियल तेल रेकमेंड नहीं करती हूँ, मैं सरसों का तेल रेकमेंड नहीं करती हूँ। तो ये ऑयल आप बाय करें, इसको यूज करें, रिजल्ट्स बहुत मासिव हैं, 2-3 महीने में जो पेशेंट्स के रिव्यूज हैं ना वो आप खुद ही एक बुझाना होंगे जो मुझे नेक्स्ट टाइम रिव्यू करे हुए, आयुष प्रमाणित है, ट्रेडमार्क है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। आगे से ऑर्डर कर लो अगर आपको कोई ना कोई पेनिस की मसल से या फिर नर्व से या इरेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और इस चीज का आंसर अब आपको दे ही दिया है कि ये दिखना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, अंटिल दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सूजन हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आ रहा और मेरे को टेस्टिकल्स तक भी पेन जा रहा है, तभी एक डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए www.drnehamehta.com।